सूचना पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि एक भागने में सफल हो गया। मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के ताहरपुर में गुरुवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई इस फायरिंग में पुलिस की गोली से इनामी अपराधी इदरीश घायल हो गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को सामने देखकर बदमाश जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग शुरू की। इस दौरान बदमाश इदरीश के पैर में गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी दानिश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इदरीश पर NCR और पश्चिमी यूपी में लूट, डकैती, हत्या, शस्त्र अधिनियम जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश के खिलाफ SSP मुरादाबाद ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इदरीश के फरार साथी दानिश के खिलाफ भी अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस दूसरे आरोपी दानिश की तलाश कर रही है। शाम 6 बजे कुछ सूचना थी SSP के कर्मचारी और मैनेजमेंट की पुलिस के पास, तो ये दो बदमाश आ रहे थे किसी लूट के इरादे से, तो इनके आमने सामने मुठभेड़ हुई है। इसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है जो इस समय अस्पताल में दाखिल है। इसका नाम इदरीश अहमद मुनीम से, ये असमौली क्षेत्र का रहने वाला है और इनामी बदमाश है, और इसका दूसरा साथी वहीं कहीं खेतों में भाग गया है। इसके संबंध में अभी छानबीन की जा रही है और खेतों में उसकी जाँच की जा रही है। दानिश भाग गया है, इसका दूसरा साथी जो इसने। न्यूज़ BK के लिए शाहरुख हुसैन की रिपोर्ट।